उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। 2019 में जब उनकी जेड प्लस सिक्योरिटी हटाई गई थी तब इसी एक राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में देखा गया था। अब जब कई वरिष्ठ नेताओं को धमकियां मिल रही हैं, अखिलेश यादव की पार्टी फिर से जोरदार मांग कर रही है कि उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाए। लेकिन इसके पीछे की कहानी सिर्फ अखिलेश की सुरक्षा की नहीं है, बल्कि इस बार कहानी में घुसे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह और उनकी कथित लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन। में जब अखिलेश यादव से जेड प्लस सिक्योरिटी छीनी गई थी तब ये बीजेपी की सत्ता के खेल का हिस्सा माना गया था। आखिरकार यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री को जेड प्लस सिक्योरिटी से क्यों वंचित किया गया? क्या बीजेपी को सच में इतना विश्वास हो गया था कि अखिलेश यादव को कोई खतरा नहीं है, या फिर ये महज एक राजनीतिक चाल थी ताकि अखिलेश यादव को कमजोर दिखाया जा सके? आज जब अखिलेश यादव की पार्टी फिर से जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग कर रही है तो ये सवाल उठना लाजमी है। और शायद इस बार ये मांग इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कुछ वरिष्ठ नेताओं को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अब इस कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब देश के गृह मंत्री अमित शाह का नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जोड़ा जा रहा है। ये वही लॉरेंस बिश्नोई गैंग है जो कई हाई प्रोफाइल हत्याओं में शामिल हो रही है। हाल ही में हुई कुछ चर्चित हत्याओं में बिश्नोई के शूटर्स का नाम सामने आया है और ये दावा किया गया है कि इन शूटर्स को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अब सवाल ये उठता है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई और उनके शूटर्स इतने खुलेआम काम कर रहे हैं तो आखिरकार किसके संरक्षण में ये सब हो रहा है? अमित शाह का नाम बार बार इस मामले में क्यों घसीटा जा रहा है? क्या सच में गृह मंत्री के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वे इन शूटर्स और गैंगस्टर्स को खुलेआम घूमने दें? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता हैं और उनके पास जनता का बड़ा समर्थन है, लेकिन जब आप देश की राजनीति के शीर्ष पर हो तो आपको ऐसे खतरे का सामना करना पड़ सकता है जो सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं होते। अखिलेश यादव की पार्टी को कई बार धमकियां मिल चुकी हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी निशाना बनाया गया है। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि अखिलेश यादव को जेड प्लस सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जा रही? जब देश के कई दूसरे नेताओं को ये सुरक्षा दी जा रही है तो आखिरकार अखिलेश यादव को इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है? और क्या इसके पीछे किसी तरीके की राजनीतिक साजिश है? अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात ये है कि जब देश के गृह मंत्री का नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जोड़ा जा रहा है तो क्या ये महज एक संयोग है या फिर इसके पीछे कुछ गहरा खेल चल रहा है? कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी, खासकर अमित शाह, अपने विरोधियों को निपटाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने के लिए तैयार है। और जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग जैसे नाम सामने आते हैं तो ये सवाल उठना लाजमी है कि कहीं बीजेपी और खासकर अमित शाह अपने विरोधियों को डराने धमकाने के लिए इन गैंगस्टर्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। लॉरेंस बिश्नोई का नाम आजकल हर दूसरी बड़ी हत्या और धमकी में सामने आ रहा है। ये गैंग देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन, फिल्मी सितारे और राजनीतिक नेताओं को निशाना बना रहे हैं। और जब बात इतनी आगे बढ़ गई है कि राजनीतिक नेताओं को जान से मारने की धमकी दी जाए तो सवाल उठता है कि आखिरकार इन गैंगस्टर्स को इतना हौसला कहां से मिल रहा है? जब मीडिया ने ये बात उठाई कि लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स का नाम अमित शाह से जोड़ा जा रहा है तो लोगों ने इसे महज एक अफवाह के रूप में ले लिया। लेकिन जब कुछ हाई प्रोफाइल हत्याओं में इन गैंग्स का नाम सामने आया तो ये सवाल और गंभीर हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा खेल तो चल रहा है। जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं, ये तो अधिकार है। अखिलेश यादव की पार्टी अब ये साफ कर चुकी है कि जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग महज एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये उनका अधिकार है। जब एक नेता को बार बार धमकियां मिल रही हो, जब राजनीतिक विरोधी
खुलेआम गैंगस्टर्स से जुड़े हो तो ऐसे में जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग क्यों नहीं की जाए। समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि बीजेपी अपने विरोधियों को कमज़ोर करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है, और जब बात उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे की हो तो इसे हल्के में लेना गलती होगी। अमित शाह को हमेशा से राजनीति का शतरंज का खिलाड़ी माना गया। वे अपने विरोधियों को मात देने के लिए हर तरह की चाल चलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब जब उनका नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जोड़ा जा रहा है तो ये सवाल उठता है कि क्या वे अपने राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए गैंगस्टर्स का सहारा ले रहे हैं। जब बिश्नोई के शूटर्स खुलेआम हत्या कर रहे हैं और राजनीतिक नेताओं को धमकियां दे रहे हैं तो ये सोचना भी लाजमी है कि कहीं वे सब कुछ अमित शाह की छत्र छाया में तो नहीं कर रहे, और अगर ऐसा है तो ये देश की राजनीति के लिए बेहद खतरनाक है। अखिलेश यादव की जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग अब केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि ये एक व्यापक साजिश का हिस्सा बनता जा रहा है। अमित शाह का नाम बार बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ा जा रहा है और ये संकेत दे रहा है कि देश की राजनीति में कुछ बेहद खतरनाक चल रहा है। अखिलेश यादव की पार्टी अब ये मांग कर रही है कि उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाए, और ये मांग जायज भी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी और खासकर अमित शाह इस मांग को पूरा करेंगे या फिर अपने राजनीतिक विरोधियों को कमज़ोर करने की अपनी रणनीति जारी रखेंगे। आखिरकार देश में राजनीति अब शतरंज के खेल से ज़्यादा एक खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है, जहां विरोधियों को मात देने के लिए हर तरह की चाल चलने की तैयारी हो चुकी है, और ऐसे में अखिलेश यादव की सुरक्षा की मांग सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।